हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आपको ऑनलाइन क्लासेस सारी समझ में आ रही हैं। और अपन मैथ्स का चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, तो अपन ने प्रश्नावली 3.1, 3.2 और 3.3 कर ली। 3.1 और 3.2 में माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में पढ़ा था, और 3.3 में अपन ने ग्राफ बनाना सीख लिया, डबल ग्राफ, सिंगल ग्राफ सारे सीख लिए। अब आज अपन प्रश्नावली 3.4 से जुड़ी हुई सवाल पढ़ेंगे, जिसमें अपन को दो चीज़ें पढ़नी हैं, संयोग और प्रायिकता। ठीक है, तो अपन बात करें सबसे पहले संयोग क्या होता है। देखो, संयोग मतलब जब अपन कोई भी कार्य करें तो वो कार्य हो जाएगा, नहीं होगा, तो उसकी संभावना जो होती है ना भाई, कितनी संभावना है, तो उस संभावना को क्या बोलते हैं, संयोग। जैसे मान लो मैं एग्ज़ाम देकर आया तो मैं पास हो जाऊंगा, उसका संयोग कितना है, मैं फेल हो जाऊंगा, उसका संयोग कितना है, तो संयोग। ठीक है, संयोग तीन तरह के होते हैं। एक होता है निश्चित संयोग, एक होता है असंभव, और एक होता है अनिश्चित। निश्चित संयोग का मतलब कोई भी काम अगर आप करोगे तो वो होगा ही होगा, 100% सत्य है। जब 100% सत्य हो वो, तो निश्चित संयोग। कोई काम पक्का है, नहीं होगा, 0% है उसके होने की काम, मतलब चांस। संयोग को इंग्लिश में चांस बोलते हैं, तो उसके कोई भी काम के होने का चांस कितना है, 0%, पक्का है कि नहीं होगा, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, उस कार्य को बोलते हैं असंभव संयोग। और हो सकता है कार्य हो भी जाए, हो सकता है ना भी हो, जहाँ पे 50-50 हो, 50-50 मतलब कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अनिश्चित। ठीक है, निश्चित नहीं हो कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो उसको क्या बोलते हैं, अनिश्चित संयोग। तो संयोग तीन तरह के होते हैं, निश्चित जिसमें कार्य होना 100% हो कि पक्का होगा ही होगा, असंभव जिसमें पक्का नहीं होगा, और अनिश्चित यानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, जैसे उदाहरण, देखो मैं बहुत अच्छा उदाहरण ले रहा हूँ, अगर मैं इस मार्कर को छोड़ूंगा तो ये नीचे बोर्ड पे जाके गिरेगा। अब छोड़ दिया तो गिर गए नीचे, और कोई कुछ हो सकता था क्या भाई, इधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा, ऊपर नीचे कहीं पे चला जाएगा, नहीं, नीचे ही गिरेगा हर बार, क्यों, गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो ये क्या हो गया, एक निश्चित संयोग कि अगर मार्कर को मैं छोड़ूंगा तो वो नीचे जाएगा, उसका संयोग कैसा है, निश्चित है, नीचे ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा, अगर मैं मान लो इसको छोड़ूं और ये ऊपर फ़ोन में आके बैठ जाए, ये जो कैमरा आपका है उसमें आके बैठ जाए, तो ऐसा होगा क्या, नहीं, गुरुत्वाकर्षण उसको ऊपर आने नहीं देगा, नीचे खींचेगा। तो अगर मैं इसको छोड़ू और ये ऊपर फ़ोन में आके बैठ जाए, तो उस काम का संयोग कैसा हो गया, असंभव हो गया। क्यों क्यों हो गया असंभव, क्यों, किसी भी केस में आप छोड़ोगे तो वो नीचे आएगा, ऊपर तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब बात करूँ मैं, तो वो क्या, अगर मतलब नीचे गिरने का तो हो गया निश्चित संयोग, ऊपर जाकर फ़ोन में बैठने का हो गया अनिश्चित, सॉरी, असंभव संयोग। अब मान लो मैं इसको छोड़ूं, ये थोड़ा सा बिखर जाए और नीचे, ये टेबल पे रखा हुआ है बोर्ड, तो टेबल के नीचे चला जाए, तो हो सकता है कि मैं यहाँ पे, यहाँ कॉर्नर पे गिरे और नीचे चला जाए, हो सकता है कॉर्नर पे गिरे और इधर आ जाए, कहीं पे भी हो सकता है, हो सकता है इस पे रुक जाए, हो सकता है नीचे चला जाए फुदक कर। तो अगर मैं इसको छोड़ूं तो ये ऊपर रहेगा, मतलब इसी बोर्ड पे रहेगा और ज़मीन के नीचे चला जाएगा, इधर साइड में नीचे गिर जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, अनिश्चित, हो सकता है यहाँ पे भी गिर जाए, हो सकता है नीचे भी गिर जाए। ठीक है, चलो अब मैं बात करूँ, अगर आप एक पांसा फेंकोगे, लूडो खेला ना सभी ने, लूडो में पांसा होता है, क्या क्या नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो उसमें फेंकने पर 8 आएगा, अब बताओ ये संयोग कैसा हो गया, तो 8 आना क्या हो गया, 8 तो कभी आ ही नहीं सकता उसमें, तो ये क्या हो गया, असंभव संयोग हो गया। समझ में आ गया। और मैं उदाहरण लूँ, बारिश चल हो रही है बाहर बहुत तेज़, अगर मैं जाऊँगा तो भीग जाऊँगा, तो इस कार्य होने का संयोग कैसा है, निश्चित है, असंभव है, अनिश्चित है। अब देखो बारिश ही हो रही है तो मैं बाहर जाता हूँ, 100% है क्या है, भीगूंगा, तो वो क्या हो गया, एक निश्चित संयोग हो गया। ठीक है, चलो आज बहुत बादल है, अगर मैं बाहर जाऊँगा तो भीग जाऊँगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनिश्चित, क्यों, क्योंकि बादल हैं, बारिश नहीं हो रही है, सिर्फ बादल हैं,
अब बादल हो तो बारिश अगर हो गई बादल होने से तो मैं भीग जाऊंगा, और बारिश अगर नहीं हुई सिर्फ बादल बन के रह गए तो मैं नहीं भीगूंगा। तो दोनों चांसेस हो सकते हैं, दोनों काम हो सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक अनिश्चित संयोग। समझ में आ गया? तो संयोग समझ में आ गया पूरा। इसका सवाल नंबर प्रश्नावली 4.3.4 में पहला सवाल इसी का है। चलिए अब अपन एक बार उन सवालों को देख लेते हैं। चलिए बच्चों, ये हमारे प्रश्नावली 3.4। बताइए निम्नलिखित में से किसका होना निश्चित है, किसका असंभव है, और कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं, यानी अनिश्चित। हो भी सकता है परंतु निश्चित। तो आपके जो भी ये पांच सवाल दिए गए उनमें आपको उत्तर लिखना है, या तो निश्चित है लिखना है, या असंभव लिखना है, या फिर हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। ये तीन चीज़ों में से कोई एक उत्तर लिखना है सब में। तो आज आप कल से अधिक आयु के हैं, जो कल बीत गया उससे आज आप ज़्यादा उम्र के हैं। तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं हमारी उम्र बढ़ती जाती है, तो जो कल चला गया उसके बजाय मैं आज ज़्यादा आयु का हूँ, ज़्यादा अधिक बड़ा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित पक्का है मैं आज बड़ा हुई हूँ। एक सिक्के को उछालोगे तो चित आएगा, हाँ सॉरी मैं देखो सिक्के को उछालते तो हेड और टेल आता है, तो हेड को बोलते हैं चित हिंदी में, और टेल को बोलते हैं पट, चित और पट। तो सिक्के को उछालने पर दो तरह के उत्तर आ सकते हैं, एक तो चित आ सकता है और एक पट। तो चित ही आएगा, तो ये तो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है पट भी आ जाए, तो ये किस में जाएगा, हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। एक पासे को फेंकने पर आठ आएगा, तो ये तो अनिश्चित असंभव हो गया, क्यों, क्योंकि आठ तो पासे में होता ही नहीं है। अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी, अब पता नहीं कौन सी अभी लाइट, अभी अगर लाल है तो फिर हरी दिखेगी, और अभी अगर हरी है तो अगली लाल दिखेगी, तो अभी तो पता ही नहीं कौन सी लाइट है, तो हरी दिखेगी, तो हो सकता है दिख भी जाए, हो सकता है नहीं भी जाए, तो ये आ जाएगा, हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। कल बादल गिरे होंगे, कल बादल होंगे, ये भी हो भी सकता है पर निश्चित रूप से नहीं। चलिए अब अपन बात करते हैं प्रायिकता की। चलिए देखिए प्रायिकता क्या होता है, जब अपन किसी भी काम होने के संयोग को गणित में संख्याओं के रूप में माप लें, समझ में आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रायिकता। यानी गणित में जब संयोगों को मापा जाता है उसको प्रायिकता कहते हैं, और प्रायिकता निकालने का, किसी भी काम होने का कितना संयोग हो उसको गणित में कैसे प्रायिकता निकालते हैं, उसका सूत्र है संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। संभावित परिणाम यानी जो आपको चाहिए भाई, ये चीज़ आ जाए तो क्या हो जाएगा, और कुल मतलब जो आ सकते हैं। अब मैं इसको उदाहरण से समझाता हूँ। देखो मान लो पांच कार्ड है, पांच चिट बनी हुई है, उस पर लिखा हुआ है एक, नहीं इस पर लिखा हुआ है ए, इस पर बी सी डी और ई, ए बी सी डी ई लिखा हुआ है। इन कार्डों को मैंने मिक्स कर दिया और उनमें से एक कार्ड निकाला बिना देखे, तो क्या प्रायिकता, प्रायिकता का मतलब संयोग, क्या संयोग है कि वो बी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो प्रायिकता का थोड़ा सा मैंने लिखा गलत है, प्रायिकता का सूत्र होता है पी ब्रैकेट में ई, प्रायिकता का मतलब फॉर्मूला होता है पी ब्रैकेट में ई बराबर संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम, ठीक है। ई क्या होता है, कोई भी कार्य, ई का मतलब होता है कार्य जो आप करने वाले हो, ठीक है। तो अभी मेरा कार्य क्या है कि मैं ए बी सी डी में से क्या निकालना चाहता हूँ, बी निकालना चाहता हूँ, तो हो जाएगा पी ब्रैकेट में बी, मुझे क्या निकालना है, बी निकालना है, तो पी प्रायिकता ई, ई का मतलब कार्य, सूत्र में ई का मतलब कार्य होता है, तो ई की जगह आप बी लिख दोगे, है ना। अब देखो बी संभावित परिणाम, यानी बी संभावित मेरा बी परिणाम है, ये संभावित परिणाम है और ये सारे मेरे कुल परिणाम है। संभावित परिणाम वो जो आप चाहते हो कि वो आ जाए, तो बी आ जाए तो वो ये संभावित परिणाम है, और एक दो तीन चार पाँच ये सारे कुल परिणाम है। तो संभावित परिणाम कितने हैं, एक। यहाँ पे संभावित परिणामों की संख्या आती है ऊपर, तो थोड़ा सूत्र में सही कर दूँ, और कुल परिणाम की संख्या, ऊपर तो संभावित परिणामों की संख्या, नीचे कुल परिणाम। तो संभावित कौन है, बी, जो मुझे चाहिए वो कितनी बार है इसमें, एक बार, और कुल परिणाम कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच, तो आंसर हो जाएगा एक बटा पाँच। समझ में आ गया। चलिए और उदाहरण ले लेते हैं।
मान लीजिए अपन ने एक पासा फेंका, लूडो खेलते हैं ना पासा, तो उसके कुल परिणाम बताओ क्या क्या आ सकते हैं। तो कुल परिणाम हो सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। हो सकता है पासे पे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6। तो कुल कितने परिणाम है? 6 परिणाम है। अब कोई पूछे बताओ इनमें से सम संख्या आने का क्या प्रायिकता है कि आप पासा फेंको और पासे पे सम संख्या आ जाए। अब सम संख्या कौन कौन होती है? सम संख्या होती क्या है? जो दो के पाड़े में आ जाए या दो से विभाजित हो जाए उन संख्याओं को क्या बोलते हैं? सम संख्या। तो पासे को फेंकने पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ सकते हैं, लेकिन सम संख्या कौन कौन है? 2, 4 और 6, ये मेरी सम संख्या है। तो पासे पे 2, 4 या 6 आने की क्या प्रायिकता है अपन को निकालना है। तो सूत्र हो जाएगा संभावित परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की, और पी ब्रैकेट में लिख दिया मैंने सम संख्या। क्यों? क्योंकि कार्य क्या है अपना? सम संख्या निकालने का है। तो संभावित परिणाम कौन है, कितने हैं? 1, 2, 3, क्योंकि ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, तो हो जाएगा 3। बट्टे में आ जाएगा कुल परिणाम, कुल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 3/6 कट के आ जाएगा उत्तर 1/2। समझ में आ गया? चलिए अब अपन प्रश्नावली के सवाल ले लेते हैं। चलिए तो ये हमारा सवाल नंबर 2। एक डिब्बे में 6 कंचे हैं जिन पर 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित हैं। पहले कंचे पे 1 लिखा है, 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6। तो 2 वाले कंचे को इसमें से निकालने की क्या प्रायिकता है कि अपना एक कंचा निकाले और वो 2 वाला आ जाए? तो इसकी प्रायिकता बताओ। 5 वाला आ जाए उसकी बताओ। ठीक है, तो ये मैं भी बोर्ड पे करके बताऊंगा। सवाल नंबर 3 भी पढ़ लो आप एक बार में। यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम खेल प्रारंभ करेगी, एक सिक्का उछाला जाता है कि भाई क्रिकेट हो गया पहले कौन खेलेगा, तो उसके लिए सिक्का उछाला। तो क्या प्रायिकता है कि आपकी टीम खेल प्रारंभ करेगी? भाई आपकी टीम सिक्का उछालने के बाद आपकी टीम प्रारंभ करे, उसकी क्या प्रायिकता है? तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बोर्ड पर समझाता हूँ। तो चलिए ये हमारा सवाल नंबर 2 हो गया कि एक डब्बे में कितने कंचे हैं? 6 कंचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सब पे एक एक नंबर लिखा हुआ है। तो 2 वाले कंचे की प्रायिकता और 5 वाले की, तो पहला उत्तर हो जाएगा, जैसे पहला आंसर हो जाएगा पी ब्रैकेट में 2 वाले कंचे की क्या हो जाएगी? तो 2 कितनी बार है? 1 बार। 2 वाला कंचा कितना है? 1/2। पहले तो आप देखो सूत्र लिखोगे, थोड़ा सा मैं मिटा दूं, पी ब्रैकेट में ई बराबर संभावित परिणाम बट्टा कुल परिणाम, वो की संख्या भी आप लिखेंगे, संभावित परिणाम की संख्या बटा बर कुल परिणाम। तो पी ब्रैकेट में 2 की कितनी हो जाएगी? तो 2 कितनी है? 2 संभावित परिणाम है मेरा भाई, 2 मुझे चाहिए। तो कितनी बार है इनमें? 1 बार/ टोटल कितने परिणाम है? 6 परिणाम है, तो 6/6। इस तरीके से 5 वाले की हो जाएगी पी ब्रैकेट में 5/1, 1 बार ही 5 भी और 6। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, देखो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर चाहो तो। क्वेश्चन नंबर अगर अपन 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिक्का उछाला अपन ने, आपकी टीम जीतेगी टॉस। तो देखो सिक्का उछालने पे 2 तरह के उत्तर आ सकते हैं, या तो चित आ जाए जिसको हेड बोलते हैं, या पट आ जाए जिसको टेल बोलते हैं। तो आपकी टीम जब सिक्का उछाला जाएगा तो अपनी टीम एक ही चीज़ मानेगी, या तो चित मानेगी या पट मानेगी, या तो अपन चित मांगेंगे। तो देखो चित आने की क्या प्रायिकता है? पी ब्रैकेट में चित, तो चित कितनी बार है? चित और पट दो तरह के परिणाम हो गए, उसमें से चित कितनी बार है? 1 बार, और कुल परिणाम क्या है? 2, चित या पट, तो 1/2। तो आपकी टीम खेल शुरू करेगी उसकी प्रायिकता कितनी है? 1/2। तो यहीं पर हमारी प्रश्नावली 3.4 समाप्त होती है। आप 3.4 के सारे सवाल कॉपी में अच्छे से कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आपके आपको पूरा वीडियो समझ में आया गया। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर पढ़ते रहो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।